हेलो एवरीवन, आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं वो देखने वाले हैं। तो कमेंट में लिखते हैं हम लोग कि हमारा प्रोग्राम क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कमेंट में हम लोग लिखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, तो आपको प्रोग्राम करने में आसानी जाती है। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू एनी 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला है। तो हम लोग अभी हमारा जो प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम हमेशा हैश इंक्लूड से स्टार्ट होता है। तो हैश इंक्लूड std.io.h और बाद में मेन फंक्शन हमारा, और ये रहा भी। अभी हमको ये देखना है कि हमें इस प्रोग्राम में वेरिएबल्स क्या क्या लगने वाले। अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो समझ में आएगा कि एरिया नाम का वेरिएबल है जो स्टोर करने के लिए काम आएगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके लिए कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है 0.5 के लिए। और बेस एक है और हाइट एक है, मतलब एरिया, बेस और हाइट, ये तीन वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो इंट क्या करते हैं, बेस लेते हैं कॉमा हाइट लेते हैं, और फ्लोट में हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट में हम लोग एरिया को लिखते हैं। फ्लोट में इसलिए ले रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में रहेगा, क्योंकि 0.5 एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट डेसिमल में आता है, उसके एरिया के हमने डेसिमल फ्लोट डिक्लेयर किया है। तो हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं, तो प्रिंटर बोलेंगे, प्रिंटर क्या चाहिए आपको। आप फिर से फॉर्मूला ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड को अगर देखोगे तो आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स है जो कि बेस और हाइट, और ये मिलने के बाद ऑटोमेटिकली आपको एरिया मिल जाएगा। तो क्या चाहिए आपको, एंटर द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो वैल्यू यूजर इस मैसेज को रीड करने और एंटर करेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के लिए हमने क्या किया, दो बार परसेंट डी लिया है। दो बार इसलिए लिया है कि पहला परसेंट किसके लिए, इस बेस के लिए, और दूसरा जो है हाइट के लिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या गया, अभी दो वैल्यूज आ चुके हैं। अभी हमको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, एरिया इक्वल टू 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, एरिया इक्वल टू 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस और हाइट हमने यहाँ पे यूजर से एक्सेप्ट कर लिए बाय यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन, और उसके बाद हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया। जबकि रिजल्ट अभी एरिया में स्टोर है, तो हमको एरिया कहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा, स्क्रीन के ऊपर। तो फिर से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं हम लोग, और परसेंट एफ यूज करेंगे क्योंकि एरिया कैसा है, फ्लोट है। आप देख सकते हो एरिया जो वेरिएबल है वो कैसा है, फ्लोट है, इसलिए हमको परसेंट एफ यूज करना पड़ेगा। और क्या है, एरिया हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न जीरो। अभी आप प्रोग्राम को रन करके चेक कर सकते हो। रन करने का वो क्या पूछेगा, वो इंटर द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप ऐसा कर सकते हो 5 × 6, तो क्या हो गया आपका 15.000। तो ये 5 क्या है, 5 नथिंग बट द बेस वैल्यू एंड 6 इज नथिंग बट द हाइट वैल्यू, और ये इसको मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली क्या एरिया में स्टोर करें। तो इस तरह से ये हमने क्या किया,
एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रोग्राम किया है। थैंक यू।